बनाने वाले हैं तीखी चटपटी भेल। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मुरमुरे ले लिए हैं, मैंने यहाँ पर प्लेन मुरमुरे ही लिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा फरसान डाल दूँगी, ये सेव वाला फरसान है, मैंने सेव की जगह पर इसे यूज़ किया है, आप प्लेन सेव भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो चमाना आता है मैंने वो भी इसमें डाल दिया, इससे क्या हमारी भेल एकदम चटपटी बनेगी। बॉइल्ड आलू है, बॉइल्ड आलू को मैंने मैश कर लिया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे। कटा हुआ प्याज, एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और साथ में मैंने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया है थोड़ा सा। हाँ, स्प्राउट्स ले लिए मैंने, थोड़े से इसे बॉईल कर लिए है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो सिर्फ चने भी डाल सकते हैं बॉईल कर। मैंने यहाँ पर मूंग और चने के स्प्राउट्स को थोड़ा सा बॉईल कर ले लिया है। और आपके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च डाल दें, जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक यहाँ पर ऐड करूँगी क्योंकि सेव और जो हमने फरसान डाला है उसमें ऑलरेडी नमक होगा, तो उस हिसाब से डाले। सबको अच्छे से एक बार मैंने मिक्स कर लिया है। ये जो है ये हमारा बेस कह सकते हैं आप, बेस तैयार हो चुका है भेल का। तो यहाँ पर जो हमने मुरमुरों का मिक्सर तैयार किया है उसे एक प्लेट में ले लेंगे, उसके ऊपर खजूर इमली की चटनी डाल देंगे। खजूर इमली की चटनी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मैं आई बटन पर उसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी सेव डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऊपर से डाल देंगे। आप अपने हिसाब से इस मिक्सर में जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। और बस देखिए, रेडी है हमारा भेल।